चैप्टर एक बार फिर से स्वागत है। राजभवन डिस्कस करने वाले कर्मचारी चयन बोर्ड की आगामी दिनों में जो एग्जाम करवाए जाने हैं, कृषि प्रेक्षक और अन्य वैकेंसी के क्या इन वैकेंसी के एग्जाम समय पे होंगे या नहीं होंगे, अपडेट दिया यहां पे भरत बेनीवाल जी ने, जो कि मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आप देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं और परिणामों को लेकर आज चयन बोर्ड के अधिकारियों से हुई वार्ता और डिस्कस को लेकर यहां पे देखिए इन्होंने संदेश दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई अभ्यर्थी असमंजस में है और लगातार कॉल और मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि परीक्षा होगी या नहीं। साथियों, सभी परीक्षा तय समय पर होगी। आज कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि सभी परीक्षाओं का आयोजन तय समय पर होगा। अभी भर्ती से संबंधित परीक्षाओं और उनके परिणाम का नोटिफिकेशन बोर्ड जारी नहीं करे, फालतू अफवाह पर ध्यान ना दे और अपनी तैयारी बिना किसी रुकावट के जारी रखे। कुछ लोगों का उद्देश्य आपकी तैयारी से आपका ध्यान भटकाने का रहता है। सभी युवा साथी बिना किसी चिंता के अपनी तैयारी जारी रखे। बोर्ड अभी लेवल फर्स्ट फायरमैन और वन रक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए काम पे लगा हुआ है। जैसे काम पूरा होगा जल्दी परिणाम जारी हो जाएगा। जब अध्यक्ष बोर्ड के पास नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि चयन बोर्ड के सभी कर्मचारी और अधिकारी कोई काम नहीं करेंगे और चुपचाप बोर्ड में जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड सचिव के निर्देशन पर सभी कार्य बोर्ड के कर्मचारी और गठित कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नया अध्यक्ष मिलेगा। यानी इन्होंने बताया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के केवल अध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दिया है और जितने भी कर्मचारी सचिव है वो सब अपने कार्य में लगे हुए हैं और जितने भी एग्जाम है वो अपने समय पर होंगे। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना, पॉजिटिव होकर अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है। देखिए, यदि आपको एक्सट्रा कर्सी प्रोसेस बनना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम कभी भी हो, मानो एग्जाम किसी को नहीं होता है, बाद में होता है, तो भी पढ़ना आपको पड़ेगा, सिलेबस आपको पूरा करना पड़ेगा। पहले अपने सिलेबस पर फोकस करो ना, पहले सिलेबस को पूरा करो और यदि आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाता है तो बार बार उसका रिवीजन करो, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अभी आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाना है, पॉजिटिव रहकर 21 अक्टूबर को अपने ध्यान में रखें और अपनी तैयारी पर फोकस करना है यदि आप चाहते हो एक्चुअल में कृषि प्रवेशक बनना। अन्यथा देखिए, यदि आप बहाने बनाएंगे तो बहानों की कोई कमी नहीं, आप बैठा लेंगे कि 21 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा और फिर 21 अक्टूबर को पेपर हो गया तो फिर आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो मैं इतना कहूंगा कि आपको पॉजिटिव रहना है और 21 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको अपना कर्तव्य ध्यान रखना है। आपका कर्तव्य क्या है? स्टडी करना, सिलेबस पूरा करना। बाकी एग्जाम कब होगा, टाइम पे होगा, नहीं होगा, वो बोर्ड का काम है, वो अपना काम करते रहेंगे। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है कि मुझे कृषि प्रवेशक बनना है और मैं तभी बन पाऊंगा जब मैं सिलेबस पूरा कर पाऊंगा। यदि ऐसी नेगेटिविटी से आप भटकेंगे तो आप कृषि प्रवेशक नहीं बन पाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिएगा। बाकी और कोई डाउट पूछ रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।